हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अरे मैं इतने ब्लर ब्लर क्यों आ रही? ब्लर लोग ब्लर ही आते हैं भाई। हाँ, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम जा रहे हैं सेवोन स्प्रूसलैंड। हाँ, तो आज का व्लॉग है, मतलब मैंने वो पहले जो एक जॉब का व्लॉग बनाया था कि भाई अनुज को मतलब ऐसे ऐसे हुआ अनुज के साथ, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि हर एक इंडियन ऐसे ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर कोई इंडियन के हाथ हम अपना रिज्यूमे देते हैं तो वो मना ही करेगा, पता ही नहीं क्यों। तो मैंने उसमें हर एक को काउंटर नहीं, वैसे मुझे किसी ने बोला नहीं कि भाई तूने ऐसे क्यों बोला। मैं जस्ट मतलब मैं मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने मतलब वो क्लियरिफाई नहीं किया कि भाई सारे लोग ऐसे नहीं होते, मतलब थोड़े बहुत अच्छे भी होते हैं, थोड़े बहुत बुरे भी होते हैं। सो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं तो थक जाती हूँ यार बोलते बोलते। मैं तो बोलने का नहीं बाबू आज। मैं अच्छी नहीं आ रही है, अगर मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ तो कितनी अच्छी। सो आज मैं बताऊँगी कि भाई मुझे जॉब कैसे मिली। जैसे कि आप सबको पता है मैं यहाँ पर आ गई थी 12th of December, तो उसके बाद बहन मतलब इतनी गर्मी इतनी सर्दी थी यहाँ, इतनी सर्दी थी यहाँ कि मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था कि भाई बाहर निकल के देखे कि कहाँ जॉब है कहाँ क्या है। तो मैं 3-4 दिन तक घर ही घुसी रही क्योंकि ऐसी इतनी सर्दी थी कि अगर हम हाथ निकालते थे ना फोन यूज करने के लिए तो पूरी ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाती थी भाई साहब, इतनी वो थी। -40 हाँ, -40-42 ऐसे था जब मैं आई यहाँ पे। तो फिर अनुज ने बोला, जब मैं मतलब अनुज घर ही था उस टाइम पे, बोला कि बाबू ऐसा काम थोड़ी ना चलेगा, जब तू जा रही है तो रिज्यूमे निकलवा अपने, ड्रॉप कर, कॉल आएगी, क्योंकि जॉब मिलने में भी तो भाई साहब टाइम लग जाएगा ना। तो फिर जब अनुज ने मुझे इतना बोला तो मैंने सोचा चल अब तो निकलना ही पड़ेगा भाई, तो मैं निकल गई घर से। तो मतलब ऐसे था, अब तो चलो मुझे बस की पहचान हो गई कि भाई ये वाली बस है, ये इस जगह जाएगी, यहाँ उतरना है मुझे, यहाँ ये वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं पता, कि मुझे यही नहीं पता था मुझे जाना कहाँ। जो अभी ज़्यादा से रेस्टोरेंट दिख गए वहीं उसकी चैन पकड़ के खींच दी बस की, तो वो रुक गई। तो ऐसा होता था। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब एक दो बार मैं ऐसे भी आई घूमती हुई कि यार कुछ नहीं हो रहा, मतलब मिल ही नहीं रही, मतलब डीमोटिवेट हो गई थी बुरे वाली कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यार वो डॉगी आ गया था, इस वजह से मैंने पोस्ट कर ली थी अपनी वीडियो। तो मैं कहाँ गई, हाँ तो 3-4 दिन मैं ऐसे घूमती रही कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक दिन मैं गई, मुझे बताया किसने कि भाई मद्रास मैपल कैफ़े में जा, वहाँ हायरिंग चल रही है। तो ऐसे था कि मतलब, और मुझे ये बोला था कि भाई 11 बजे ही जाना क्योंकि रेस्टोरेंट 11 बजे खुलेगा और खुलते ही दावा मार देना अपना रिज्यूमे देख के, और मैनेजर मिलेगा उसी टाइम पे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो घर से बस थी मेरी 10:28 पे, बस आती थी हमारे वहाँ से। अरे मैं ऐसी क्यों आ रही, तो 10:28 पे मेरी बस थी। तो फिर मैं बैठी बस में, तो बस वाले ने मुझे उतार दिया 10:44 पे। तो रेस्टोरेंट खुलना था 11 बजे, मैं इतनी ठंड में ऐसी पूरी कांपते हुए ऐसे ही खड़ी रही, और ना मेरी ऐसी हालत भी नहीं कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, बहुत बुरे वाली। तो फिर जब मतलब मैंने मद्रास वालों के पास कॉल की ऑनलाइन कि भाई ऐसे ऐसे मतलब रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो बोले कि नहीं 11 बजे खुलेगा। तो मैंने बोला कि 11:05 तो हो गए, 11 बजे कैसे खुलेगा वो? फिर बोले कि 11 बजे खुलेगा। तो मैंने कॉल कट कर दी और मैं हताश हो गई अपनी ज़िंदगी से कि भाई यहाँ भी कुछ नहीं होना जाना था। मैं वापस खोली अपने घर के लिए। तो जैसे मैं घर पे आई ना, घर पे नहीं आई सॉरी, जब मैं घर के लिए वापस घूमी तो मतलब वहीं ना निकोलसन एक्सचेंज बे, जो मतलब यहाँ प्रिंस जॉर्ज में रहते हैं उनको पता होगा, मतलब निकोलसन एक्सचेंज पे पहुँची अपनी बस के लिए। तो वहाँ पता ही नहीं, बस आने में था मतलब काफ़ी टाइम था। तो मैंने सोचा साइड में ही हस्की है, अपना इसमें घुस लेती हूँ, मतलब शॉप है एक, तो मैंने सोचा उसमें घुस लेती हूँ अपना, थोड़ा ठंड कम होगी। तो मैं अंदर घुसी तो मुझे ना एकदम चक्कर आ गए, पूरी स्वेटिंग, मतलब इतनी सर्दी में ना मुझे गर्मी फील हो रही है अंदर घुसते ही, स्वेटिंग, मुझे चक्कर आ रहे, मेरी बुरी हालत हो गई। तो मैं ना जिस पोजिशन में थी, जैसे कि मेरे पीछे मैंने अपना बैग टांग रखा, तो मैं वहीं जाके ऐसे ही बैठ गई अपना सर पकड़ के,
क्योंकि मेरी हालत पूरी पंचर हो गई थी। तो फिर एकदम से जब ये दो भैया थे वो अच्छे थे, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वे बोले कि क्या हुआ। मैंने बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं थोड़ी देर बैठ सकती हूँ क्या यहाँ। तो बोले कि ऐसे मत बैठो, चेयर पे बैठ जाओ आप आराम से। तो मैं चेयर पे बैठी तो उन्होंने मुझे पानी वानी दिया, तो थोड़ा वो हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ आ रहे थे, क्या ये वो। तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैं अपना रिज्यूमे ड्रॉप करने आई थी मद्रास में, लेकिन मद्रास बोले कि खुला हुआ है, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं वो कि खुला हुआ है ये वो। तो मैंने उनको बताया तो बोले कि कोई नहीं लग जाएगी जॉब, टेंशन मत लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि बंदा आया तो उसको एक डेढ़ महीना ऐसे भी रहना पड़ता है विदाउट। थोड़ा वो हुआ कि चलो मैं ही अकेली नहीं हूँ और भी है जिनको जॉब नहीं मिली, मतलब ऐसे होता है नॉर्मली। तो फिर मैं वहाँ से बाहर निकली, वे बोले कि कैब वैब बुलाओ तुम्हारे लिए। तो होता है जब बच्चा कोई नया नया आता है तो ऐसे पैसे वेस्ट समझते हैं इन चीज़ों में कि कैब में जाए या ऐसे। तो मुझे ये था कि मैं चाहे चक्कर आ जाए कितने भी पर कैब नहीं बुलाऊंगी, बस में ही जाऊंगी चाहे कितना भी वेट करना हो। तो फिर मैं वहाँ से बाहर निकली क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था कि वैसे तो मुझे चक्कर आ रहे और वे भैया बोल रहे कि कैब बुलाए कैब बुलाए। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं कैब की कोई नीड नहीं है, मैं मेरी बस आने वाली है। तो मेरी बस नहीं आने वाली थी, मैं उससे शॉप से बाहर निकल गई। तो मैंने सोचा चल ज्योति एक बार और जाके देख मद्रास जान जाए, पर रेस्टोरेंट में तो ज़रूर जाऊँगी एक बार और रिज्यूमे ड्रॉप करने। तो मैं गई तो बाई लक मुझे वहाँ पे मेरा सीनियर मिल गया, शाहरुख नाम था उन, मतलब जो वे मेरे सीनियर थे वो भी सेम कोर्स में थे और मद्रास में काम कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे कि ये वो मैं रिज्यूमे ड्रॉप करने आई हूँ। तो बोले कि कहाँ से हो, मैंने उनको सब बताया। तो मैंने जैसे कि बैचलर कर रखी है होटल मैनेजमेंट में, तो उन्होंने भी इंडिया से ही बैचलर की हुई थी, तो थोड़ा हो जाता है कि सेम कोर्स फिर यहाँ पे आने के बाद भी पोस्ट डिप्लोमा टूरिज्म होटल मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं मैं अपना रेफरेंस देख के और तुम्हारी लग जाएगी जॉब, टेंशन मत लो। तो मैं मतलब खुशी भी थी कि यार चलो हेल्प हुई मेरी ये वो, और इन्होंने बोला कि भाई मैं अपना रेफरेंस दे दूँगा, तो खुशी भी थी। फिर मैं घर आई तो फिर भी मैंने दो तीन जगह और मैं रिज्यूमे ड्रॉप करके आई, मतलब जितने भी मुझे जहाँ जहाँ भी लग रहा था कि यहाँ भी दे सकती हूँ यहाँ भी दे सकती हूँ, तो मैंने हर जगह किया। तो जब मैं घर में 3 बजे पहुँची तो 4 बजे मेरे पास मद्रास से कॉल आती है कि आ जाओ तुम्हारा इंटरव्यू है। ओ भाई साहब, जब मेरे पास कॉल आई कि आ जाओ तुम्हारा इंटरव्यू है, तो मैं खुशी मारे पागल कि अभी जाती हूँ। तो फिर मैं 5 बजे पहुँची तो मेरा इंटरव्यू हुआ, मतलब इंटरव्यू तो नॉर्मली था, ऐसा तो कुछ नहीं था कि, तो बस मेरे से एक दो क्वेश्चन पूछे मैंने बताया। तो फिर मैं तब से ही मद्रास में लगी हुई हूँ और बस मेरा तो ये एक्सपीरियंस था। बट यही अगर देखो तुम इंडिया से आने के बाद ये सोचोगे कि तुम इंडीड पे अप्लाई करोगे ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास तभी जॉब लग जाएगी, ऐसा रेयरली होता है किसी के साथ कि जो घर बैठे बैठे जिसकी जॉब लग जाए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। अगर तुम खुद ने कुछ मतलब घूमोगे रिज्यूमे ड्रॉप करोगे तब तक तो कुछ नहीं होना जाना। तो बस यही था मेरा तो यार, और मेरा मानना भी यही है कि अगर तुम कहीं जा रहे हो मतलब पता है यार ऑब्वियसली कनाडा आई है तो चलो पढ़ाई भी करना है, लेकिन ये तो है नहीं कि घर वालों के पैसों पे तुम मतलब पूरी मतलब 2 साल का कोर्स है 3 साल का तुम पूरा घर वालों के पैसों पर ही डिपेंड होके आओगे, तो अपना भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही है। तो ऑब्वियसली स्ट्रगल तो है देखो यार, हर जगह आराम से बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और बस मेरा तो स्ट्रगल यही था, मुझे यही बताना था। और भी जॉब का बहुत कुछ सीन है, मतलब मैं बताऊंगी कि क्या बताऊंगी, मतलब जो भी दिमाग में आएगा इन फ्यूचर तो मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी। अब ठीक है गाइस, बस यही बताना था मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या था जॉब का। तो यही है कि भाई साहब अगर तुम स्ट्रगल करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, अगर तुम सोच रहे हो कि इस ऐसे ही रेफरेंस के थ्रू या उसके थ्रू कुछ ना कुछ हो जाएगा तो हो तो जाएगा। देखो ये तो मैं मना नहीं कर रही कि नहीं होगा, हर किसी का होता है, आज नहीं होगा 1 महीने बाद होगा 10 दिन बाद होगा तो है ही। बस चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बता देना मुझे नेक्स्ट व्लॉग में किसके लिए बनना, किसके लिए किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। ओके बाय।